वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है और ये प्रस्तुति मूल्यांकन के उपकरण और तकनीकी पर आधारित है। मूल्यांकन के उपकरण सीखने के परिणाम को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि प्रश्न पत्र और रेटिंग स्केल। और यदि मूल्यांकन की तकनीकी के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परीक्षण और आइटम्स इत्यादि आते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन तकनीकी है तो चेकलिस्ट एक उपकरण। शिक्षार्थी के सीखने संबंधित जानकारी जुटाने के लिए उपकरणों और तकनीकों की आवश्यकता होती है। इनका मान्य, विश्वसनीय और प्रयोग योग्य होना अति आवश्यक है। मूल्यांकन की तकनीकी व उपकरणों के माध्यम से जो जानकारी मिलती है संख्यात्मक रूप से उसका विवरण करना अत्यधिक आवश्यक है, जिसको हम तीन स्तरों के संदर्भ में कर सकते हैं। पहले शिक्षार्थी के स्वयं के संदर्भ में, प्रगति की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में की जाती है। दूसरे स्तर पर सीखने वाले की स्थिति की पहचान उसके सहकर्मी समूह के संदर्भ में की जाती है। तीसरा स्तर मानदंड के संदर्भ में है। मानदंडों का मतलब आवश्यक कौशल को ध्यान में रखते हुए सीखने के अपेक्षित स्तर से है। एक मूल्यांकन उपकरण मूल्यांकन का वो साधन है जिससे वैज्ञानिक रूप से जिसका मूल्यांकन या मापन किया जाना है उसका मूल्यांकन या मापन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अब बात करते हैं मूल्यांकन के कुछ विशिष्ट उपकरणों की। सबसे पहले एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसका उपयोग छात्रों के पिछले व्यवहार को मापने के लिए किया जाता है। दूसरा एप्टीट्यूड, इसका उपयोग छात्रों के संभावित प्रदर्शन और विशेष क्षमताओं को मापने के लिए किया जाता है। इन्वेंट्रीज, इनका उपयोग प्रश्नावली के माध्यम से व्यक्तियों की आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का आंकलन करने के लिए किया जाता है। और रेटिंग स्केल का उपयोग स्थितियों वस्तुओं आदि के संबंध में राय और निर्णय को वर्गीकृत करने के लिए लिया जाता है। टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस और अचीवमेंट को विभिन्न विषयों में हमें बताते हैं। अवलोकन की तकनीकी के अंतर्गत प्राकृतिक सेटिंग में बच्चों के बारे में सबसे अधिक जानकारी एकत्र की जा सकती है। तो जानकारी शिक्षकों को शिक्षार्थियों के विषय में शिक्षण के दौरान प्राप्त हो जाती है, तथा कुछ जानकारी उनकी गतिविधियों और कार्यों के संबंध में नियोजित और उद्देश्यपूर्ण अवलोकन पर आधारित होती है। अवलोकन दो प्रकार के हो सकते हैं, गैर संचारित खुले या फिर प्राकृतिक। अवलोकन के अंतर्गत अधिक विविधतापूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में पर्यवेक्षक साइट पर मौजूद होने के दौरान किसी भी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। यहाँ पर्यवेक्षक अवलोकन स्थल में एक खुले सोच के साथ प्रवेश करता है, वो चीजों को देखता है और उन्हें प्राकृतिक सेटिंग में रिकॉर्ड कर सकता है। संरचित अवलोकन में एक मूल्यांकनकर्ता संरचित परिस्थितियों में घटना का निरीक्षण करता है। अवलोकन की स्थिति का अनुकरण और अवलोकन भी किया जा सकता है। ये तकनीकी मूल्यांकनकर्ता को विशेष व्यवहार के निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करता है। इस तकनीकी के कई लाभ हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसको व्यक्तियों के साथ साथ समूहों का आकलन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अलग अलग समय अवधि के दौरान आकलन किया जा सकता है। अवलोकन तकनीकी द्वारा समय के साथ शिक्षकों को बच्चों के व्यवहार, रुचियों, चुनौती, पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझने में सहायता प्राप्त होती है और बच्चों के विषय में एक व्यापक तस्वीर मिलती है। अवलोकन के दौरान निष्कर्षों पर जल्दी पहुंचने से या कोई भी निष्कर्ष लेने से बचना चाहिए। क्या देखा गया है ये पर्यवेक्षक के कौशल पर निर्भर करता है। अवलोकन करने के तरीके में संवेदनशीलता और विनीतता की आवश्यकता होती है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मुलाकात होगी। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।